हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल एक्सप्लेन फॉर्मेटिव असेसमेंट सीसीई पैटर्न फर्स्ट। ओके, यहाँ टेस्ट पेपर है बेस्ड ऑन चैप्टर 0 to 4। यहाँ से 0 से लेके 4 तक के जो चैप्टर हैं उस बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द नंबर एंड राइट देम इन वर्ड। हमें क्या करना है, इनको वर्ड में लिखना है, जैसे कि वर्ड में यानी स्पेलिंग्स में लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिएगा 64,307 है, तो मैंने यहाँ पे भी स्पेलिंग यानी वर्ड में लिखा है 64,307। ओके, नेक्स्ट जो डिजिट है हमारी 1,05,432, तो यहाँ पे मैंने ये जो वर्ड में लिखा है 1,05,432। ठीक है, ONE LAKH FIVE 1,000 FOUR 4 HUNDRED 30 TWO, यानी कि 1,05,432। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 425 के बाद में हम 100 की स्पेलिंग लिखेंगे HUNDRED 25 TWE TWENTY FIVE, यहाँ पे देखिएगा 208, तो 208 को भी हमें इस तरीके से ही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिंगर्स, यानी कि हमें ये डिजिट्स में लिखना है ये जो नंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 32, तो 32 को हम नंबर्स में लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है 3 to 32। ठीक है, नेक्स्ट है 4044, तो 4044। ओके, नेक्स्ट है सी वाला 1,55,227, तो 1,55,227। जो डी वाला है 6,039, तो यहाँ पे देखिएगा 6,039। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है राइट द प्लेस ऑफ विजिट फॉर इन इच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो 4 की प्लेस वैल्यू है वो हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखिएगा 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, तो यहाँ पे जो 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 4 lakh। ओके, नेक्स्ट जो देखिएगा 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, 10 lakh and crore, तो यहाँ पे जो 4 की प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 4 crore। ओके, 4 crore। नेक्स्ट जो है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन, यानी कि हमें क्या करना है, जो ये डिजिट दी रखी है हमें, यहाँ पे जो डिजिट्स दी रखी है, हमें जो डिजिट्स दी रखी है यानी कि 8 crore 3 lakh 6,756। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पे एक तो जो 6 है वो किसकी प्लेस वैल्यू पर है, 6,000 की प्लेस वैल्यू पर, और जो नेक्स्ट जो 6 दे रखा है वो 6 की प्लेस वैल्यू 1s पर है। तो हम क्या करेंगे, 6,000 को 6 से माइनस करेंगे, जैसे कि मैंने किया है 6,000 में से 6 माइनस किया है, तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5,994। ओके, नेक्स्ट जो हमारा 5 क्वेश्चन है, राउंड द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 10, हमें इनका नियरेस्ट 10 निकालना है। तो जैसे कि 21 है, मैंने आपको बताया है अगर 10s का नियरेस्ट निकालना हो तो 10s में कितने जीरो होते हैं, 10 होते हैं, तो 1 का हमें 1 की प्लेस वैल्यू देखनी है। यहाँ पे हमने 1 की प्लेस वैल्यू देखी है जो कि क्या है, 5 से छोटी है, तो हम इसे क्या बना देंगे, 20। ओके, यहाँ पे देखिएगा 85 है, 85 जो कि क्या है, 5 क्या है,
5 के बराबर है तो हम इसे क्या बना देंगे 90, ओके। और यहाँ पे देखिएगा 55 है तो 55 यानी 5 के अकॉर्डिंग 5 के इक्वल है तो हम इसे क्या बना देंगे 60। और 9 में देखिएगा 9 की वंस की प्लेस वैल्यू पर 9 है जो कि 5 से बड़ा है तो हम इसे बना देंगे 20। तो ये हमारा 10 नियरेस्ट हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखिएगा, राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें मल्टीपल्स देखने हैं तो यहाँ पे देखिएगा 4, 7, 14 एंड 21। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग 21 के बाद में आएगा 28, 35, 42 एंड 49, ओके। बी वाला देखिएगा 4, 4, 8 एंड 12। तो 4, 8, 12 में देखिएगा 16, 20, 24 एंड 28। हमें मल्टीपल्स देखने थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑड नंबर। यहाँ पे देखिएगा हमें इसमें से कौन से जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर मैंने आपको बताया था ऑड और इवन, जिसमें 2 का पूरा कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। और जिसका 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 1 ऑड नंबर है, 93 भी ऑड नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 55 ऑड नंबर है, 661 भी क्या है, ऑड है, ठीक है। तो ये जो 4 डिजिट है वो क्या है, यहाँ 4 नंबर है जो ऑड नंबर है। फिर यहाँ पे देखिएगा, राइट ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, पेयर्स यानी जोड़े बनाने थे हमें। तो यहाँ पे जैसे कि 3 और 5, और यहाँ पे होगा 11 एंड 13, जो अपनी टेबल में ही यानी कि खुद की टेबल में ही आते हैं, किसी और की अनदर टेबल में नहीं आते, ओके। नेक्स्ट वाला देखिएगा, इन ऑल इंडियन इंडिया एग्जामिनेशन 35,208 candidates passed with 74,623 candidates failed, ठीक है। यहाँ पे जो ऑल इंडिया में एग्जाम हुआ था वहाँ पे जो कैंडिडेट थे वो 35,208 जो क्या हुए थे, पास हुए थे, एंड 74,623 कैंडिडेट्स क्या हुए थे, फेल हुए थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखा हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि यहाँ पे कितनों ने एग्जाम दिया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने किया है यहाँ पे ऐड करने पर यहाँ पे हमारी जो डिजिट आई है वो आई है 1,09,831, ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस। जब भी हमसे कोई डिफरेंस पूछा जाए तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, बिटवीन इन दोनों के बीच का हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो मैंने क्या किया है, 89,478 में से 37,263 को मैंने क्या कर दिया, माइनस किया है। माइनस करने पे जो मेरा आंसर आया है वो आया है 52,000। इसका डिफरेंस निकाला था माइनस करने पे तो आंसर क्या आया, 52,215, ओके। नेक्स्ट वाला है, सबट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 7,349 एंड 22,956 फ्रॉम द सम ऑफ 14,385 एंड 3,886, ओके। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, लेकिन पहले हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इन दोनों को हम सम करेंगे। सम मतलब प्लस और डिफरेंस का मतलब यानी मींस, डिफरेंस मींस होता है माइनस करना। जब भी किसी चीज का डिफरेंस निकालना हो तो हमें माइनस ही करना होगा, ओके। तो मैं क्या करूंगी, पहले 22,956 में से मैं 7,349 को मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। माइनस करने पे जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 15,607, ओके। और फिर मैं क्या करूंगी, सम निकालूंगी। सम मींस क्या है, प्लस करना। सम मीन्स क्या है, प्लस करना। तो मैं क्या करूंगी, 14,385 एंड 3,886 को क्या कर दूंगी, मैं प्लस कर दूंगी। प्लस करने पे जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 18,271। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, सबट्रैक्ट यानी कि हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करना है। तो इसके डिफरेंस को और इनके सम को यानी कि जो इनके जो आंसर आए हैं उनको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे 18,000, जो सम करने पे मेरी जो आंसर आया, जो नंबर सम आया है वो क्या आया है, 18,271 माइनस, और जो डिफरेंस आया है 15,607। इन दोनों को मैं अगर माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2,664, ओके। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है,
एस्टिमेट इज डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10 एंड ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस. हमें क्या करना है, पहले तो जो हमें एक्चुअल वैल्यू दे रखी है उसका हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है. तो मैं यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालती हूँ, जो हमारा 92 एंड 69 को मैं क्या करती हूँ, माइनस करती हूँ, तो मेरा जो डिफरेंस निकला है वो क्या निकला है, 23. ओके, फिर मैंने इसकी क्या निकाली है, एस्टिमेट वाली जो वैल्यू है वो निकाली है, यानी कि 10 नियरेस्ट वाली निकाली थी. ठीक है, हाँ, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 10 नियरेस्ट. क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पे 10 नियरेस्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 10 नियरेस्ट ही आएगा. हाँ, यहाँ पे आएगा डिफरेंस टू 10 नियरेस्ट, डिफरेंस टू द 10 नियरेस्ट आएगा. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस टू द 10 नियरेस्ट, नियरेस्ट 10 आ गया, सॉरी, हाँ नहीं सही है, डिफरेंस एस्टिमेट इज डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10 एंड ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस. हमें क्या करना है, हमें 10 नियरेस्ट निकाल के एंड एक्चुअल डिफरेंस निकाल के माइनस करना है. तो पहले हम एक्चुअल को अगर मैं जो डिफरेंस निकालती हूँ वो मेरा आंसर क्या है, 23, और जो मैं इसकी एस्टिमेट वाली जो वैल्यू निकालूंगी यानी कि 10 नियरेस्ट वाली, तो वो देखिएगा यहाँ पे क्या है, 10 नियरेस्ट निकालते हैं, 10 में 10 है, तो हम क्या देखेंगे, 1 की प्लेस वैल्यू देखेंगे. 1 की प्लेस वैल्यू देखने के लिए हमने देखा यहाँ पे 2 है, और क्या देखेंगे कि भाई 5 से छोटी है या 5 से बड़ी है. तो अगर 5 से छोटी है तो हम इसे 90 बना देंगे, और यहाँ पे क्या है, 5 से बड़ी है, 9 क्या है, 5 से बड़ा है, तो हम इसे क्या बना देंगे, हम इसे बना देंगे 70. ओके, अब हम इसे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, 20. ओके, तो इस तरीके से हमें करना है. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 58 एंड 49, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 9. तो ये हमारी क्या हुई, एक्चुअल वैल्यू हुई है. अब हम क्या निकालेंगे, 10 नियरेस्ट डिफरेंस निकालेंगे. तो 10 नियरेस्ट में यहाँ पे देखिएगा, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो 1's की प्लेस वैल्यू वो 8 है, और वो 5 से क्या है, बड़ी है, तो मैं इसे क्या बना दूंगी, 60. ओके, और यहाँ पे क्या है, 49 है, जो 9 क्या है, 5 से बड़ी है, तो मैं इसे बना दूंगी 50. ओके, ये 10 नियरेस्ट हो गया हमारा. अब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर क्या होगा, 10. ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिएगा, एस्टिमेट ए सम टू द नियरेस्ट 10 एंड फाइंड द एक्चुअल सम. तो यहाँ पे देखिएगा हमें क्या करना है, 10 नियरेस्ट निकाल के, और हमें एक्चुअल वैल्यू निकाल के उसका 10 नियरेस्ट निकालना है. ओके, तो यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, पहले एक्चुअल वैल्यू का जो आंसर होगा उसका 10 नियरेस्ट निकालेंगे. क्योंकि अगर मैंने, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे निकाला है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा आंसर 6850. ओके, लेकिन यही नहीं, हमें क्या करना है, जो आंसर आया है उसका 10 नियरेस्ट निकालना है. तो जैसे यहाँ पे 57 आया, तो 7 क्या 5 से बड़ा है, तो हम यहाँ पे क्या बना देंगे, 6860. ओके, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें भी अगर आप 10 नियरेस्ट निकालते हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1740. ओके, तो ये 10 नियरेस्ट के अकॉर्डिंग सही है. यहाँ पे 1743 है और 43, तो यहाँ पे इसका अगर मैं 10 नियरेस्ट निकालूंगी, ये 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है, तो हम इसे क्या बना देंगे, 40. ओके, तो ये हमारा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है. ये आपको अपनी कॉपी में करना है.